भारत के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल 25 जून 1975 में देश भर में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई थी। ये आदेश देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर दिए गए थे, जिसने कई ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म दिया। भारतीय राजनीति के इतिहास में ये सबसे विवादास्पद काल रहा, क्योंकि आपातकाल में भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीने की अवधि का आपातकाल था। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा की थी। ये घोषणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई थी। उस वक्त इंदिरा गांधी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर शख्स को जेल में बंद करवा दिया था। बता दें कि देश में आपातकाल के ड्राफ्ट पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून की आधी रात को हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद पूरा देश इंदिरा गांधी और संजय गांधी का बंधक बना दिया गया था। वहीं 26 जून की सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई, जिसमें गृह सचिव खुराना ने आपातकाल का घोषणा पत्र कैबिनेट को सुनाया। देश में आपातकाल लगते ही इंदिरा गांधी के कड़े विरोधी माने जा रहे जयप्रकाश नारायण को 26 जून की रात 1:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके साथ इंदिरा की नीतियों का विरोध कर रहे कई और नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया था और देश भर के कई जेलों में डाल दिया गया था। देश भर में आपातकाल की जानकारी आम जनता को ऑल इंडिया रेडियो के जरिए दी गई थी। देश भर में आपातकाल लगाए जाने के बाद मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि मीसा के तहत हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 352 में भारी आक्रमण और आंतरिक डिस्टर्बेंस या सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में आपातकाल लगाए जाने की व्यवस्था दी गई है। आपातकाल के पीछे मुख्य कारण जयप्रकाश नारायण की आर्मी और पुलिस को सरकार के आदेश नहीं मानने की बात को माना जाता है, जो सशस्त्र संघर्ष के दायरे में आता है। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने अपने करीबियों के साथ मिलकर आपातकाल में नसबंदी, दिल्ली के सौंदर्यकरण के लिए जबरन झुग्गियों को उजाड़ देने जैसे कई फैसले लिए। इनमें से कई नेता ऐसे थे जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा आपातकाल के कांग्रेस में रह चुके कुछ नेताओं ने बाद में अलग पार्टी भी बनाई, जिसके साथ बीजेपी ने हाथ मिलाकर सरकार बनाई। हालांकि आज भी बीजेपी आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े करती रही है। संजय गांधी के करीबियों में एक नाम जगमोहन मल्होत्रा का आता है, जिन्होंने आपातकाल के दौरान दिल्ली को लेकर कई फैसले लिए। जगमोहन एक IAS अधिकारी थे और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन थे। आपातकाल के दौरान संजय गांधी ने दिल्ली को खूबसूरत बनाने का काम जगमोहन के जिम्मे सौंपा, जिसके बाद जगमोहन ने कई झुग्गियों को हटाना शुरू कर दिया। इसे लेकर जमकर विरोध हुआ, लेकिन जगमोहन ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। इसी का नतीजा था कि जनता पार्टी के बाद 1980 में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की तो जगमोहन को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया। कांग्रेस ने 1984 में जगमोहन को जम्मू कश्मीर का गवर्नर बना दिया था। संजय गांधी के करीबी रहे जगमोहन के इंदिरा गांधी के निधन के बाद राजीव गांधी के साथ भी रिश्ते बेहतर रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर दूरियां बढ़ गई। जगमोहन ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। 1990 में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। बीजेपी में रहते हुए जगमोहन 1996, 1998 और 1999 का लोकसभा चुनाव लगातार जीते। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो जगमोहन को शहरी विकास, पर्यटन मंत्रालय और सूचना मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया तो इसके पीछे संजय गांधी की अहम भूमिका रही। संजय गांधी ने अपने युवा नेताओं की टीम के साथ आपातकाल के दौरान काफी जुल्म किए थे। मेनका गांधी संजय गांधी की पत्नी थी, ऐसे में संजय के हर फैसले में उनकी भूमिका मानी जाती है। मेनका गांधी ने संजय गांधी के निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए अमेठी से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो जीत नहीं पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑल इंडिया।